नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक नया फॉर्म निकला है इंडियन कोस्ट गार्ड नेवी का, जो ऑनलाइन मोड से भरा जाएगा। दोस्तों, इसके फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट है 17 अगस्त 2022 और लास्ट डेट है 7 सितंबर 2022। दोस्तों, इसके लिए योग्यता और उम्र इस प्रकार है। नंबर एक, पदनाम जनरल ड्यूटी GD, जो मेल कैंडिडेट के लिए है। इसके लिए दोस्तों योग्यता में बैचलर डिग्री 60% के साथ होनी चाहिए दोस्तों, और या मैथ फिजिक्स सब्जेक्ट 55% के साथ इंटरमीडिएट में हो। दूसरी पोस्ट है दोस्तों इसमें कॉमर्शियल पायलट, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इसके लिए दोस्तों योग्यता में अभ्यर्थी 12वीं में फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट 55% के साथ होना अनिवार्य है, या मैथ और फिजिक्स हो। तीसरी पोस्ट है दोस्तों टेक्निकल मैकेनिकल, जो मेल कैंडिडेट के लिए है। इसके लिए योग्यता में दोस्तों BE/BTECH डिग्री और चौथी पोस्ट निकली दोस्तों टेक्निकल इलेक्ट्रिकल, या मेल कैंडिडेट के लिए। इसके लिए दोस्तों इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल, या इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन अथवा इंस्ट्रूमेंटेंस 60% के साथ। और पांचवी पोस्ट है दोस्तों इसमें लो इंट्री, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए। इसके लिए योग्यता में दोस्तों बैचलर डिग्री 60% के साथ होनी चाहिए लॉ में। दोस्तों, जनरल ड्यूटी के सिलेबस में पदनाम और सब्जेक्ट होगा दोस्तों इंग्लिश के 25 प्रश्न, और रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 25 प्रश्न, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल के 25 प्रश्न और जनरल नॉलेज के 25 प्रश्न होंगे। दोस्तों, कुल 100 नंबर का पेपर होगा GD का। और दूसरी पोस्ट दोस्तों मैकेनिकल इंट्री के लिए इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 और जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल के 10 और जनरल नॉलेज के 10 और मैकेनिकल से संबंधित सब्जेक्ट से संबंधित 60 प्रश्न होंगे। तीसरा विषय में आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंट्री के लिए इंग्लिश के 10 नंबर, रीजनिंग के 10 नंबर और जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल के 10 नंबर और जनरल नॉलेज के 10 और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विषय संबंधित 60 प्रश्न होंगे। दोस्तों, पोस्टों का पे स्केल, बेसिक पे स्केल इस प्रकार है, जिसमें नंबर एक असिस्टेंट कमांडेंट का पे स्केल 56,100 और डिप्टी कमांडेंट का 67,700 और कमांडेंट JG का 78,800 और कमांडेंट का 123,100 और डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल का 131,100 और इंस्पेक्टर जनरल का 144,200 और एडिशनल डायरेक्टर जनरल का 182,200 और डायरेक्टर जनरल का 285,000 है। दोस्तों, एप्लीकेशन फीस में जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी और EWS कैंडिडेट का एप्लीकेशन फीस 250 रुपये है और SC ST कैंडिडेट का 0 है। उम्र दोस्तों, उम्र अभ्यर्थी पायलट CPL SSA कॉमर्शियल पायलट के लिए दोस्तों योग उम्र 1 जुलाई 1997 के बाद का जन्म और 30 जून 2003 से पहले का जन्म अभ्यर्थी होना चाहिए। और लॉ एंट्री के लिए दोस्तों अभ्यर्थी 1 जुलाई 1993 के बाद का जन्म और 30 जून 2001 से पहले का जन्म अभ्यर्थी होना चाहिए। और अदर पोस्टों के लिए दोस्तों अभ्यर्थी 1 जुलाई 1997 के बाद का जन्म और 30 जून 2001 से पहले का जन्म अभ्यर्थी होना चाहिए। उम्र में छूट के मामले में 5 वर्ष की छूट दोस्तों SC ST कैंडिडेट की को होगी और 3 वर्ष की छूट OBC कैंडिडेट को होगी। धन्यवाद दोस्तों, और भी नई नई जॉब संबंधी जानकारी के लिए मेरे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।